अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट, आपका दोस्त इतिहास स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश पेश। और काफ़ी अरसे के बाद फिर आप दोस्तों से एक मुलाकात का जरिया बना फेसबुक, और काफ़ी टाइम से आप लोगों से ना इंटरेक्शन हुई ना बातचीत हुई। तो मौसम भी अच्छा था, देखें बादल आए हुए हैं, तो छुट्टी का दिन भी था, 23 मार्च भी थी, तो मस्त माहौल था। वो पंजाबी की एक मिसाल है, मस्त माहौल थे मिठे चौल। तो एक जस्ट कह लें कि एक सिचुएशन ऐसी थी, तो मैंने कहा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था, काम में बिज़ी था, तो फेसबुक लाइव नहीं कर सका, और ज़ाती मसरूफियात भी, तो ना किसी के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया ना कोई लाइव सेशन किया। तो मैंने कहा आज 23 मार्च को मैं छत पे भी आया हूँ, मौसम को भी इंजॉय करूँ, और आप लोगों से एक गपशप की जाए, आपके साथ एक इंटरेक्शन की जाए जो काफ़ी अरसे से मिसिंग है। तो दिन भी बहुत ही अजीम दिन है, 23 मार्च 1940, जिसमें कह लें कि पाकिस्तान का बेसिक जो है फिनोमेना, पाकिस्तान की बेसिक जो कह लें कि स्ट्रक्चर था, जो मेन कह लें कि ब्रांच थी, जो जड़ थी, वो रखी गई, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो जड़ ना रखी जाती, वो एक बाल का एक मिशन ना लेके आगे लेके जाया जाता, तो वो कभी भी आगे हम इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क, इस्लामी रियासत हमारे पास मौजूद ना होती। तो इकबाल ने बड़ा बड़े ही वाज़ह अल्फाज में, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है इकबाल, अगर लामा इकबाल जैसी पर्सनालिटी सदियों में पैदा होती है, ऐसे मुफक्कर, ऐसे अजीम शायर, ऐसे अजीम शख्सियात, कह लें कि बहुत ही टाइम पीरियड के बाद ना ऐसे शख्सियात पैदा होती हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखा, उनको पढ़ा, इकबाल को बहुत ज़्यादा मैंने डीप स्टडी की। तो उनसे जो उनका एक वीएन था, एक कंसेप्ट था, जिसे कह लें कि अमली जामा बनाया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ और भी बहुत से हीरोज़ हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। कायद तो कायद हैं डेफिनेटली, लेकिन कायद के साथ और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, हमें आम लोगों को भी याद रखना चाहिए, कामन लोगों को की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए कि कितनी कुर्बानियां दी लोगों ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और 23 मार्च में एक वीएन रखा गया कि जहां पे इस्लामी रियासत के इलाके ज़्यादा हैं, जो हैं मुस्लिम वो अक्सरियत में हैं, वहाँ पर एक इस्लामी रियासत कायम की जाए, जिसमें डेफिनेटली अभी हमसे जो कट गया है वो बांग्लादेश भी हमारा एक हिस्सा था, मशरी पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर था, जिसमें क्रिप्स मिशन में वो सारा स्ट्रक्चर हुआ, कश्मीर भी डेफिनेटली अगर देखा जाए वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई उस वक़्त, मिसमैनेजमेंट हुई, क्योंकि कह लें कि हिंदू ज़्यादा अक्सरियत में थे और उनकी पावर ज़्यादा थी, उनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा थी अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमने हुकूमत ली थी, अंग्रेज़ों ने हमसे हुकूमत ली थी, तो अंग्रेज़ हमसे ज़्यादा नफरत करते थे, वो समझते थे कि हम जो मुस्लिम है वो हमारे पहले दुश्मन है, बाकी जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, मतलब उनको कम तर समझते थे, इसलिए उनके इंट्रैक्शन हिंदुओं के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर यही एक सिलसिलाकार चला, तो 23 मार्च को जब रखा गया 1940 को, तो ये एक वाजह हो गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत लाजमी कायम होगी, और फिर उसको अमली जामा 14 अगस्त 1947 को हमने देखा कि पाकिस्तान बना, और हज़ारों क्या लाखों क्या करोड़ों लोगों की कुर्बानियां हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, और कह लें कि बेस्ट रोल इस वक्त जो प्ले कर रही है वो हमारी आर्मी है, सलूट टू आर्मी। और आर्मी ना होती तो अभी तक हमें एक्सटर्नल्स पावर्स ने
बिल्कुल डैमेज कर देना था, हमें ख़त्म कर देना था। तो आर्मी की वजह से इस वक्त जो भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, कि आर्मी की वजह से बहुत सी पावर्स हमसे अभी भी डरती हैं और हमारे साथ नहीं मुकाबला करना चाहती। हाँ, इंटरनली वो हमें डैमेज करने की कोशिश करनी है, लेकिन एक्सटर्नली वो डायरेक्ट हमारे साथ जंग नहीं कर सकती। हमें और मज़बूत होना है, इंशाल्लाह हम होंगे मजबूत। हमें, मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि हम कह लें कि हर मामले में, हर विजन में, हर कंसेप्ट में, हर आइडियालॉजी में, क्योंकि हमारा जो बिलीव सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुस्लिम, एज ए मुस्लिम, हमारा बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, फॉल्ट्स हैं, फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूँ हर चीज़ है हमारे अंदर, लेकिन एज ए बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने उस बिलीव सिस्टम को ले कर चलना है, और जब हम उस बिलीव सिस्टम को ले कर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है, मुझे पुरउम्मीद हूँ कि हम कामयाबियाँ समेटेंगे और लोग हमारा लोहा मानेंगे। पाकिस्तानियों को मानेंगे, एक अजीम कौम है, एक अजीम कहने के कुर्बानियों के बाद हासिल की हुई कौम है, लड़ने वाली कौम है। लड़ने वाली उस कंसेप्ट में नहीं, लड़ने वाली वो है सब्र करने वाली और हालात के साथ लड़ने वाली कौम। हालात जितने भी बुरे हों, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो एक ऐसी कौम है जो एक जहाँ पे रही है इंशाल्लाह, क्योंकि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान हासिल हुआ है। तो हमारा एक ईमान है कि ये इंशाल्लाह क़यामत तक कायम दायम रहेगा और एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा इस्लामिक कम्युनिटी में। और अभी हालात ख़राब है, हालात इंशाल्लाह 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 जितनी भी कौमें गुजरी हैं, आप उठा लें, जितनी भी कौमें गुजरी हैं, पुरानी हो नहीं हो, हम देखते नहीं हैं, हमारी रिसर्च नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। जितनी भी कौमें गई हैं, जिस कौम के हालात बुरे हुए हैं, तो डेफिनेटली जिस कौम के हालात बुरे होते हैं उसके हालात अच्छे भी होते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। अभी हमें फाइट करना है, हमने अगली जनरेशन के लिए कुछ करके जाना है। जब हम अगली जनरेशन के लिए कुछ मिसालें कायम करके जाएंगे, हम पाकिस्तान को मुतहिद रखेंगे, तो डेफिनेटली कामयाबियां मिलेंगी।